गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है, रामचंद पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर हैं। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन फॉर नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन बनाने की विधि बताएंगे, कैसे बनाया जाता है। नॉर्मल सलाइन हम लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में, किसी भी ब्लड बैंक में देखा होगा, जिसमें हम लोग RBC को डायल्यूट करने का काम करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग में डायल्यूशन का काम करते हैं। नॉर्मल सलाइन लेबोरेटरी का बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे बनाया जाएगा इसे। प्रिपरेशन फॉर नॉर्मल सलाइन, अभी आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल नॉर्मल सलाइन मिलता है, लेकिन हम लोग इसको लेबोरेटरी में भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल है, हमारे आप जैसे किसी टेक्नीशियन ने ही तो बनाया है। आइए हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं नॉर्मल सलाइन को। नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन इज कॉमनली यूज इन वेरियस लेबोरेटरी प्रोसीजर लाइक इन द प्रिपरेशन ऑफ द रेड सेल सस्पेंशन फॉर द क्रॉस मैच फॉर प्रिपरेशन डायल्यूशन ऑफ रेजेंट फॉर स्टूल एग्जामिनेशन टू मेक द डायल्यूशन इन सेरोलॉजिकल टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सेट्रा। नॉर्मल सलाइन के यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रेड सेल का सस्पेंशन बनाते हैं ब्लड बैंक में क्रॉस मैच करने के लिए, और हम लोग कई रेजेंट का प्रिपरेशन करते हैं, डायल्यूशन करते हैं, और दूसरा है स्टूल एग्जामिनेशन लेटिन की जांच करते हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन का यूज़ होता है। सेरोलॉजिकल टेस्ट जैसे विडाल वगैरह जांच होती है सेरोलॉजी की, उसमें डायल्यूशन लगाया जाता है। और जितनी लेबोरेटरी के कोई टेस्ट होते हैं जो रिपोर्ट में एरर होते हैं, तो नॉर्मल सलाइन से डायल्यूट करके उस सीरम को उसको डायल्यूट किया जाता है और टेस्ट लगाया जाता है। नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए हम लोग को अपर्चर चाहिए होते हैं, उपकरण चाहिए होते हैं, वेइंग स्केल मतलब वजन वाली मशीन, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड बीकर, स्टायरर होता मतलब स्टिक मतलब मिक्स करने वाला, और फुनेल मतलब कुप्पी। केमिकल रिक्वायर्ड, डिस्टिल वाटर चाहिए होता है इसके लिए, और सोडियम क्लोराइड NaCl। प्रोसीजर फॉर नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, वेट 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ वेइंग स्केल। एक वेइंग स्केल वजन तराजू वाली मशीन होगी ग्राम में तौलने वाली, उससे हम लोग 8.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड तौल लेंगे। नाउ टेक 500 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और इन अ बीकर एंड टू दिस एड 8.5 ग्राम NaCl। 500 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे किसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में या बीकर में, उसमें जो हम NaCl तौले थे 8.5 ग्राम उसको डाल देंगे। स्वर्ल द फ्लास्क जेंटली टू मिक्स द कंटेंट और स्टायर इन केस यू आर मेकिंग द सोल्यूशन इन द बीकर विथ द हेल्प ऑफ स्टायरर। जेंटली जैसे आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया है तो NaCl और वाटर को डिस्टिल वाटर को आप जेंटली मिक्स कर सकते हैं, अगर जैसे बीकर में लिए हैं तो आपको स्टायरर की जरूरत पड़ेगी, स्टायरर से मिक्स करिए उसको। वेन NaCl डिजॉल्व कम्प्लीटली देन एड डिस्टिल वाटर एंड मेक द फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर। जब 500 ml डिस्टिल वाटर में NaCl 8.5 ग्राम पूरी तरह से घुल जाए, तब उसमें और डिस्टिल वाटर मिला के फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर कर लिया जाता है। इंसर्ट एन एयर टाइट स्टॉपर इन टू द माउथ ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड शेक इट जेंटली टू मेक द सोल्यूशन होमोजीनस, और इफ यू आर यूजिंग अ बीकर स्टायर द सोल्यूशन वेल यूजिंग अ स्टायरर। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अगर आपने बनाया हुआ है तो उसके ऊपर एक कॉर्क लगा दीजिए, जिससे उसमें से सोल्यूशन गिरने का डर खत्म हो जाए, टाइट कर दीजिए और उसके बाद मिक्स करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने बीकर में बनाया है तो बीकर में क्या करेंगे, हम लोग स्टायरर लेके उससे मिक्स करेंगे। नाउ ऑटो क्लेव द प्रिपेयर्ड नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 PSI। उसके बाद हम लोग ऑटोक्लेव मशीन में क्या करेंगे, 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 PSI पे 15 प्रेशर पे हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए रख देंगे। दिस विल स्टराइल द सोल्यूशन एंड मेड इट द लेबोरेटरी ग्रेड नॉर्मल सलाइन। जैसे हम लोग इसको इसमें रख देंगे ऑटोक्लेव मशीन में 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे और 15 PSI पे, ये क्या होगा, लेबोरेटरी वाला बन जाएगा नॉर्मल सलाइन, जिसको हम लोग कहीं जगह यूज़ कर सकते हैं। सोल्यूशन विच कैन बी यूज इन द पैथोलॉजिकल एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। जब ये नॉर्मल सलाइन बन जाएगा, इससे हम लोग पैथोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी के लेवल में जांच कर सकते हैं।
If you have prepared the normal saline in beaker, transfer it to the volumetric flask or Erlenmeyer flask and autoclave it at 121 degree Celsius, 15 psi pressure for 15 minutes. अगर आपने बीकर में बनाया है तो क्या करेंगे इसे, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पलट देंगे या अरमायर फ्लास्क में पलट देंगे 15 मिनट के लिए, 15 psi पे 121 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।